हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज मैं बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों, इससे पहले आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि टाइप्स ऑफ स्विचेस पे, तो आज हम बात करने वाले हैं जैसे हमारा DCS का नेटवर्क होता है, या DCS नेटवर्क की ना बात करते हुए जैसे और भी हमारे जिस कंपनी में हम काम करते हैं उसमें एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैंड नेटवर्क होता है, या कहाँ भी आप लोकल एरिया नेटवर्क जहाँ लैंड नेटवर्क होता है वहाँ पर हम स्विचेस का यूज़ करते हैं, तो वो स्विचेस का यूज़ क्यों करते हैं। आपने अगर थ्योरेटिकली पढ़ा होगा तो हब्स नाम की एक चीज़ होती है, हब नाम की एक चीज़ होती है, ब्रिजेस नाम की एक चीज़ होती है, स्विचेस जैसा कि दिख रहा है ये चीज़ होती है। तो हब और ब्रिज क्यों नहीं यूज़ किया जाता है, स्विच क्यों यूज़ किया जाता है, थोड़ा सा आपको जो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता हूँ ताकि आपके अंदर क्लियरिटी आ जाए कि स्विच क्यों यूज़ किए जा रहे हैं, ऐसा क्या एडवांटेज है इन स्विचेस में कि ये क्यों यूज़ करते किए जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, आप सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए कि जैसे हम स्विच जब यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे इस सेटअप में कई सारे कंप्यूटर्स, कई सारी कंट्रोलर्स, कई सारे प्रिंटर्स कनेक्टेड होंगे, और ये जब सब कनेक्टेड है तो एक बेसिक सी चीज़ होती है, सबका एक अपनी एक आइडेंटिटी होगी। तो जब हम कंप्यूटर वर्ल्ड की बात करते हैं तो सबकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है, वो किस चीज़ से होती है, वो दोस्तों IP के नाम पर होती है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। हर एक डिवाइस जो नेटवर्क में कनेक्टेड है हर सबका एक IP एड्रेस होगा, यानी एड्रेस जब तक नहीं होगा, सपोज़ करिए मुझे आपको फ़ोन करना है तो मैं आपको फ़ोन कब करूँगा, जब आपका नंबर मेरे पास होगा, यानी वो आपका IP एड्रेस है। उसी तरीके से एक कंप्यूटर को या किसी दूसरे कंप्यूटर को किसी थर्ड कंप्यूटर से बात करनी होगी तो वो कैसे बात करेगा जब तक उसका वो IP एड्रेस नहीं जान पाएगा। तो नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि IP एड्रेस आपको पता होना चाहिए, मतलब नेटवर्क को पता होना चाहिए कि कहाँ उसको डाटा भेजना है। अगर आप अपने सिस्टम में बैठे हैं और आपको पता करना है कि आपका जो IP एड्रेस है या MAC एड्रेस है, दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि IP एड्रेस होता है जो नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है, और एक MAC एड्रेस होता है जो उस डिवाइस का एड्रेस होता है जिसको हम कॉन्फ़िगर नहीं करते, वो प्री कॉन्फ़िगर जब हम ख़रीदते हैं तब हमें वो मिलता है। तो MAC एड्रेस होता है कंप्यूटर का एड्रेस, और IP एड्रेस होता है जिसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, कमांड प्रॉम्प्ट में IP config डैश स्पेस डैश ऑल करिए, IP config स्पेस डैश / ऑल करिए, तो आपको अपनी डिवाइस का जो नेटवर्क NIC कार्ड यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसका MAC एड्रेस मिल जाएगा और उसका IP मिल जाएगा, जो भी इस समय IP आपके कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर किया गया है। ये एक छोटा सा वीडियो है, आप देखिए कैसे मैंने किया है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने कंप्यूटर के जो NIC कार्ड है उसका आपको IP एड्रेस जानना है तो आपको रन कमांड डालने के बाद CMD टाइप करना है। CMD दबाएंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट खुलने के बाद जो है आपके कंप्यूटर का नाम आ रहा होगा, उसके बाद आपको एक कमांड लिखनी है, IP config स्पेस /ALL। तो आपके पास वो लिस्ट आ जाएगी कि आपका जो IP एड्रेस है वो क्या है और MAC एड्रेस क्या है। दोस्तों, ये आपका MAC एड्रेस आ गया कंप्यूटर का, जो उसका NIC कार्ड लगा हुआ है, तो इस पे दो NIC कार्ड लगे हुए हैं तो दोनों NIC कार्ड के MAC एड्रेस आ गए हैं, और जो IP हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है उन दोनों के IP आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस और MAC एड्रेस देख सकते हैं। अब जैसा कि आपने देख लिया है कि एक IP एड्रेस को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो अब हम बात करते हैं उस नेटवर्क की जहाँ पे ये जो चीज़ें आती हैं कि हब्स और स्विचेस और राउटर्स वगैरह। राउटर की बात हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि राउटर थोड़ा एडवांस टॉपिक है, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको राउटर्स का भी एप्लीकेशन जानना है ऐसी सिचुएशन में जो सिचुएशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तब मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज राउटर एक ऐसा टॉपिक होता है वो जनरली हम जिस इंडस्ट्री में, जैसे हम DCS नेटवर्क की बात कर रहे हैं उसमें हम राउटर जनरली यूज नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको एक कंडीशन बना के देख सकता हूँ, मे बी बहुत ही हायर लेवल के जो प्लांट होते होंगे वो राउटर ज़रूर यूज़ करते होंगे। तो मैं आपको लॉजिकली एक एप्लीकेशन दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे राउटर यूज़ कर सकते हैं हम अपने नेटवर्क में, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन योर कमेंट्स, ऑन योर रिक्वेस्ट। इफ़ यू वांट आई कैन मेक द लेक्चर ऑन द राउटर्स ऑल्सो। तो चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ और समझते हैं कि क्यों हम स्विचेस को यूज़ करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जैसे हमारा एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में कई सारे कंप्यूटर है, इंजीनियरिंग स्टेशन है, एक सर्वर है और प्रिंटर है, तो ये सारे जो है नॉर्मली जो आज की मॉडर्न टाइम का जो स्ट्रक्चर है वो सारे कम्युनिकेट कर रहे हैं वाया ईथरनेट स्विच। ये तो हो गई बात ईथरनेट स्विच की, अब क्यों करते हैं ये हम आएंगे बाद में। पहले अगर हम यूज़ कर लेते हब, अगर मैं अपने कंप्यूटर्स को
हब के वाया हब कनेक्ट कर लेता तो क्या प्रॉब्लम थी। हब को ये प्रॉब्लम है कि हब एक जो होता है एकदम बिल्कुल बकवास चीज़ होती है, उसके पास कोई भी दिमाग नहीं होता, इट डजेंट हैव अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इट सेल्फ, उसके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? जैसे कंप्यूटर वन को डाटा कंप्यूटर थ्री में अगर भेजना है तो कंप्यूटर वन का डाटा यहाँ हब में आया तो हब क्या करेगा, उसे ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब है वो जितने भी पोर्ट्स उससे कनेक्टेड हैं वो सारे पोर्ट्स में वो डाटा भेजेगा, और इससे क्या होता है कि ज़बरदस्ती डाटा कंप्यूटर टू के पास भी आता है, थ्री के पास भी आता है। माफ कीजिए, यहाँ दो बार थ्री लिख गया, तो ये फोर है, इसे मैं फोर कर देता हूँ। तो वो कंप्यूटर वन जो है वो कंप्यूटर फोर को डाटा भेजना चाह रहा है, लेकिन वो डाटा सबके पास जाता है, तो ये ज़बरदस्ती एक नेटवर्क कंजेशन क्रिएट करता है, डाटा लॉस होता है, कोई डाटा आ रहा होता है वो डाटा रुक जाता है। तो ये हब इतनी अच्छी चीज़ नहीं है जिससे हम अपने डाटा को रूट कर सकें, इसीलिए हब हम जनरली यूज़ नहीं करते, क्योंकि बहुत सारा कंजेशन क्रिएट हो जाता है, वो ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब बात करते हैं कि हब ना यूज़ करते, हब के संग एक ब्रिज लगा देते हमारे नेटवर्क के कंजेशन को थोड़ा सा कम करने के लिए। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, अभी भी वही कंडीशन है कि कंप्यूटर वन जो है वो कंप्यूटर फोर को कोई डाटा भेजना चाहता है, कोई पेलोड है। अगर हम पेलोड की बात करें, डाटा को एज अ पेलोड बोले कि कोई डाटा है, दैट हैज़ टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द कंप्यूटर वन टू कंप्यूटर फोर वाया हब एंड ब्रिज। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल, बट अब यहाँ पे क्या हो गया, कंजेशन कम हो गया, क्योंकि जब हब वन के पास कंप्यूटर वन की रिक्वेस्ट आएगी तो हब वन जो है वो सिर्फ दो ही जगह ब्रॉडकास्ट कर सकता है, एक यहाँ पे और एक ब्रिज के पास, तो कंजेशन थोड़ा सा कम हो गया। अब इसने यहाँ ब्रॉडकास्ट किया, यहाँ पे कोई भी रिप्लाई नहीं मिला तो डाटा डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ ब्रिज को इसने ब्रॉडकास्ट किया तो ब्रिज के पास एक दूसरे हब का भी डिटेल है, तो वो देखेगा। अब वो ब्रिज जो है इस हब को डाटा देगा, ये हब क्या करेगा, फिर ब्रॉडकास्ट करेगा कि हाँ इस हब के किस नेटवर्क पे उसको जाना है, किस मैक एड्रेस पे उसको जाना है, तो वो वापस वहाँ पे भेज देगा। तो फिर भी जो है आप देख रहे होंगे कि इस एक हब पे ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, इस एक हब पे ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, लेकिन ये हो गया कि कंप्यूटर वन का डाटा सारे कंप्यूटर्स पे ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है, तो थोड़ी सी ब्रॉडकास्टिंग बची है, लेकिन फिर भी जो है इंटेलेक्चुअल जो है वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब थोड़ा सा मेरा डाटा का जो ट्रांसमिशन टाइम है वो कम हुआ, लेकिन उतना अच्छा कम नहीं हुआ जितना हम शायद कर सकते थे। अब हम बात करते हैं स्विच की। स्विच में ऐसा क्या होता है कि जो इन सब में नहीं होता है? एक्चुअली स्विच में क्या होता है, स्विच में एक टेबल होती है दोस्तों, स्विच में एक ऐसी टेबल होती है जिसमें आपका मैक एड्रेस और एक आपका आईपी एड्रेस, मैक टेबल होती है जिसके अंदर आपका आईपी एड्रेस, जैसे कंप्यूटर वन का कोई आईपी एड्रेस है 192.168.0.1, उसका एक मैक एड्रेस भी है, उसी तरीके इसका भी एक आईपी एड्रेस, उसका भी एक मैक एड्रेस है, इसका भी एक आईपी एड्रेस है, उसका भी एक मैक एड्रेस है। तो ये क्या करेगा, जब कंप्यूटर वन डाटा भेजता है स्विच पे, तो वो ये स्विच क्या करता है, सारे मैक एड्रेस सारे आईपी को पहले सर्च करता है, वो आईपी कहाँ पे है और वो आईपी किस मैक एड्रेस का है, तो वो डाटा सीधे आपको वहीं भेज देता है। वो खाली उसके पास एक ऑलरेडी टेबल होती है कि मेरे कौन से पोर्ट में कौन सा मैक एड्रेस का कौन सा आईपी कनेक्ट है, उल्टा बोलेंगे कौन से आईपी का कौन सा मैक एड्रेस कनेक्ट है, तो वो उसी में डाटा भेजता है। ऐसा नहीं करता कि वो ब्रॉडकास्ट करने लगता है यहाँ पे कि यहाँ डाटा आया, फिर वो कंप्यूटर टू थ्री फोर सबको डाटा ब्रॉडकास्ट कर रहा है, सबके पास भेज रहा है, जो रिप्लाई कर रहा है फिर उसको उससे कंप्यूटर वन का डाटा वापस आपस में बात करवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्विच एकदम फास्ट होता है, डाटा आया, इसके पास मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस ने वहाँ पे भेजा। तो दोस्तों मैं आपको एक आईपी की कमांड दिखाता हूँ कि सपोज करिए आपके पास एक नेटवर्क, आप एक कंप्यूटर में बैठे हैं, तो आपको ये जानना है कि मेरे कंप्यूटर में कितने कंप्यूटर्स हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों एक कमांड प्रॉम्प्ट में, यानी आपको रन कमांड में, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके एक एप्लीकेशन रन करनी पड़ेगी, ARP स्पेस डैश ए, जो कि मैं आपको अभी रन करके दिखाऊंगा। तो उसमें क्या होगा, ARP दोस्तों क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल होता है, एड्रेस रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल होता है। तो दोस्तों अगर आपको अपने कंप्यूटर के जो NIC कार्ड है उसका आपको आईपी एड्रेस जानना है, तो आपको रन कमांड डालने के बाद CMD टाइप करना है। CMD दबाएंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट खुलने के बाद जो है आपके कंप्यूटर का नाम आ रहा होगा, उसके बाद आपको एक कमांड लिखनी है, ipconfig config स्पेस /ALL। तो आपके पास वो लिस्ट आ जाएगी कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है और मैक एड्रेस क्या है। दोस्तों ये आपका मैक एड्रेस आ गया कंप्यूटर का, जो उसका NIC कार्ड लगा हुआ है, तो इस पर दो NIC कार्ड लगे हुए हैं, तो दोनों NIC कार्ड के मैक एड्रेस आ गए हैं, और जो IP हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है उन दोनों के IP आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस और मैक एड्रेस देख सकते हैं।
एक एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है। तो वो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है, वो ये देखता है कि वो पैकेट जो कंप्यूटर वन ने मुझे पेलोड भेजा है वो मैं किसको भेजूँ। तो यहाँ पे एक ARP टेबल होती है हमारे पास स्विच के पास, वो डाटा उसी स्विच पे जो है वो राउट कर देता है। तो इस तरीके से इसीलिए हम अपने जहाँ पे डाटा अभी का जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है वो हम स्विच को यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक यहाँ पे है एक कहीं और भी है, तो लेकिन वो दोनों डाटा आपस में कम्युनिकेट कैसे करें, कब किस सिचुएशन में करें, करने भी चाहिए, तो वहाँ पे हम जो स्विच लगाते हैं दोस्तों वो हम मैनेज्ड स्विच लगाते हैं। अभी तक जितना इस बात करी मैंने वो अनमैनेज स्विच की बात करी है, जहाँ पे अनमैनेज का मतलब है जहाँ पे उसके पोर्ट जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं है। चलिए इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जब आप हमसे कहेंगे। ऑलरेडी मैंने आपसे दो वीडियो के लिए कहा है कि अगर आप कमेंट करेंगे एक कब हम इसके बाद जो है राउटर यूज़ करते हैं और कब हम इसको मैनेज स्विच यूज़ करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों और लोगों के साथ शेयर करिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को भी लाइक करिएगा। और अगर आप हमारी फाइनेंशियली कोई हेल्प कर सकते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर चैनल एंड हेल्प अस टू ग्रो मोर फर्दर। थैंक यू।